गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा इलेक्शन के चलते कांग्रेस वर्कर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के बीच राधा कृष्ण दुड्डमणि जी को किस तरह इलेक्शन में जिताना है, इस पर गौर फिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा इलेक्शन में राधा कृष्ण दुड्डमणि जी को कैंडिडेट बनाया गया है, जो पूरी मेहनत के साथ गुलबर्गा सिटी के अलावा तमाम तालुकों में काफी शानदार कैंपेनिंग कर सभी वोटर्स को वोट की गुजारिश कर रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ में ऑर्गेनाइज की गई इस मीटिंग के जरिए वर्कर्स को जोरों शोर से राधा कृष्णा जी के लिए काम करने का आदेश दिया गया है, और इस प्रोग्राम के चलते जेडीएस लीडर एक्स मेयर अशफाक अहमद चुलबुल, जावेद आरटीओ इंजीनियर अब्दुल अलीम के अलावा अब्दुल जब्बार सागर ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। इस मौके पर लोकसभा कैंडिडेट राधा कृष्णा जी के अलावा प्रियांक खड़गे, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, अजय सिंह, डॉक्टर सैयद मुस्तफा हुसैनी साहब, एमएलए कनीस फातिमा, आलम प्रभू पाटिल, डीसीसी प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार, एमएलसी तिप्पन्ना कमकनूर, बाबा नजर मोहम्मद खान, फराजुल इस्लाम, कुड़ा चेयरमैन मजार अलाम खान, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान, कॉर्पोरेटर सैयद अहमद अजमल गोला और दीगर तमाम कॉर्पोरेटर सीनियर लीडर्स और वर्कर्स यहाँ मौजूद थे। तमाम लीडर्स ने इस प्रोग्राम के जरिए क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. ये लोकसभा इलेक्शन के बारे में हमारे डॉक्टर शरण प्रकाश पटेल जी बताए आप सबको कि बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। मेरा इतना ही गुजारिश है हमारे लीडर से, वर्कर से, कि हर आदमी डोर टू डोर जाके कैंपेन करना चाहिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 80% मिनिमम पोलिंग होना चाहिए नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ से ही हमको ज़्यादा वोट आने वाला है। लास्ट टाइम भी आप लोग ये कर रहे थे, अच्छा हुआ है। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, और बाकी का जो भी है आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, इतना बोल के मैं ये करता हूँ। हम यही मानकर आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम अभी भी इसी पे यकीन रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हमारा बीजेपी के सोच में थोड़ा फर्क है। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं और वो भारत तोड़ने की बात करते हैं। हम हमेशा आपकी तरक्की की सोचते हैं और वो हमेशा उनकी तरक्की सोचते हैं। जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे गारंटीज के बारे में, हमने ये नहीं पूछा कि आप हलाल खाते हैं कि झटका खाते हैं, कि आप शरग जो हम बोलते हैं शरग हाको तिरा इन हिजाब हाको तिरा, हम ये नहीं पूछे कि आप मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो। हमको सिर्फ मतलब था आपकी तरक्की। आपको अपने घर चलाने में मुश्किल हो रही थी, हमको पता था, इसलिए हमने 5 गारंटी दिया। इसी 7th को आप सब लोग एकजुट होकर, जैसे हम आपा के लिए काम कर रहे थे पहले, और खमरुल इस्लाम साहब के लिए कर रहे थे, राधा कृष्ण साहब के लिए भी करेंगे, कहकर के हम, मुझको पूरी उम्मीद है, जैसे अभी आपने बोला है, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के साथ भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हम उस वैल्यूज को हम आगे बढ़ाना है तो राधा कृष्ण साहब को हम जिताने, हमको सब मिलके जिताना ही पड़ेगा। अब मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ जो नॉर्थ के जो वोटर्स है, पिछले चुनाव में खड़गे साहब को आप लोगों ने बहुत बड़ा बहुमत दिया था, लेकिन इस बार भी उसकी जरूरत है, क्योंकि इस बार ये जो चुनाव होने वाला है, 5 साल में ये जो हमारे एमपी थे कभी ना किसी तालुका को गए हैं, कभी कभी ना कोई असेंबली सेगमेंट को आए हैं, ना कोई काम किए हैं। आप लोगों को याद रखना चाहिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पे एमपी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि पूरा मुल्क कल्याण कर्नाटक के तरफ देख रहा है। मुझे यकीन है आप लोग 100% कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कितना परसेंटेज वोटिंग होने वाला है। यहां पे मिनिमम 90% वोटिंग की उम्मीद है हमें। हम लोग यहां पे मुश्किल का मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो बड़ी कोई मुश्किल की काम नहीं है। तो हम सब कांग्रेस के वर्कर घर घर जाके
लोगों को बताएंगे कि हमने गारंटी का वादा पूरा किया है, देश में जमहूरियत को बचाना है, देश में यहाँ पे जो मोदी का ये जो हुकूमत है इसको हटाना है, तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है और एकजुट होकर वोट डालना है और मैक्सिमम परसेंटेज वोटिंग कराना है। लोकसभा के कैंडिडेट आर के साहब, जिसका नाम राधा कृष्ण वेदामणि है, आप लोग शायद सोच रहे होंगे, बहुत सारे मैंने रिव्यूज लिए हैं आने से पहले, तो लोग कह रहे थे कि हम उनसे उन्होंने देखा नहीं मिला नहीं, मगर मैं आपसे इतनी ही बात कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि ये डायस पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है वो राधा कृष्ण गोडमनी साहब, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आप किसी वक्त आपके पास चले जाएं वो आपका काम करके दें। मैं तमाम आप लोग कांग्रेस के वर्कर्स को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों को काम इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो जज्बा है उसी जज्बे के हिसाब से करना चाहिए। 2019 में आपने एक शेर दरगाह के जलसे में कहा था, खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में मिलाने की, शायद आपको नहीं मालूम हम दीन हैं, आदत है हमारी बार बार उठ जाने की। ये खड़गे साहब ने एक शेर दरगाह पर कहा था और आज देख सकते हैं आप, ये जो झाड़ आपके सामने नजर आ रहा है, झाड़ की डालियां हैं। सो के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 6 MLA हम पिछले साल जीत कर आए हैं और आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और अजय सिंह साहब ने जैसा कहा है कि 40,000 का की लीड से राधा कृष्ण साहब को जिताएं, इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कनीस फातिमा साहिबा के साथ मिलकर, उनकी लीडरशिप के साथ मिलकर, पूरे सब मिलकर आपको गुलबर्गा में सबसे ज़्यादा लीड गुलबर्गा नॉर्थ में मिलेगी इंशाल्लाह। उनका क्या है, सिर्फ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करना है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना है उनको, उनको और कुछ नहीं आता है। उनका काम यह है कि कुछ ना कुछ, जब भी चुनाव आएगा पुलवामा करना है या राम मंदिर का एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है, या जैसे 4% माइनॉरिटीज के लिए हम रिजर्वेशन रखे वो निकालना है, वो वापस लेना है, हिलाल कट करना है, हिलाल कट नहीं कर सकते बोल के बोलना है, नहीं तो जो 100 सालों से आ रहा है वो हिजाब वो निकालने के लिए बोलना है, तो कुछ ना कुछ उनका क्या है इरादा, जिस तरह ब्रिटिश लोग करते थे भारत देश में डिवाइड एंड रूल, उसी तरह अब इनका क्या है कि हम किसी भी तरह चुनाव जीतना है, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करना है। एक अगर कम्युनिटी को अगर हम अटैक करेंगे तो बाकी लोगों का एक कंसोलिडेशन होगा, मगर मोदी जी ए बार वैसा नहीं होगा। ए बार जो नॉर्थ में ये चुनाव में, परसों सीएम भी बात कर रहे थे जब हम उनके साथ बैठे थे, पूछ रहे थे कि कैसा है, मैं बोला कि ये बार गुलबर्गा में माहौल बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर उमेश यादव के अगेंस्ट पूरा एकदम खराब है, सब लोग नाराज है, बाकी उनके पार्टी के भी हर एक कार्यकर्ता भी नाराज है। तो जिस तरह पिछले चुनाव में हम 27,000 लीड यहां से मिले थे, ये बार कम से कम आप हम सब मिलके कम से कम 40,000 टारगेट करना है। आने वाले दिनों में साथ में हमारा ट्रोलिंग है सेकंड फेज में, और 1 महीना 6 दिन बाकी है, हमको यहीं से कोशिश करना चाहिए, अभी से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कोई इलेक्शन आसान नहीं होता जब तक हम मेहनत नहीं करें, कोशिश नहीं करें कोई इलेक्शन आसान नहीं है, इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे तो ये इलेक्शन भी हमारे लिए आसान होगा। और ये सीट निकालना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते हैं, जब जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 10 साल तक यहाँ पर एमपी रहे, काफ़ी डेवलपमेंट आपने किया है, और लास्ट 5 सालों में आपने देखा कि क्या कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो हमको फिर से इस डेवलपमेंट को बाकी रखने के लिए हम जनाब
राधा कृष्ण साहब को जिताना हमारे लिए बहुत जरूरी है। काफी सॉफ्ट नेचर के हैं और बहुत अच्छे इंसान है। अब तक उन्होंने पीछे से काम किया है, इलेक्शन में बहुत मेहनत की है उन्होंने। अब आप पहली बार यहाँ पर इलेक्शन के लिए ठहरे हैं तो हम सबका फर्ज है कि मेहनत करें, काफी कोशिश करके आपका आपको जिताएंगे, राधा कृष्ण साहब को जिताएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर सीए एनआरसी हलाल कर जैसे अनवांटेड बिल्स का लागू किया था, मगर इंशाल्लाह हमारी सरकार आई है, इंशाल्लाह तमाम बिल्स हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है, ये हमारे संविधान बचाने की लड़ाई है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था, हमें डिक्टेटरशिप, मोदी की डिक्टेटरशिप को खत्म करना है, और इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग हमें नाम से और तमाम पूरे गुलबर्गा से इंशाल्लाह लीड दिलाइए, हमें मोदी को वहां से सेंटर से खत्म करना है। आप लोगों की दुआओं के, आप लोगों के वोटों के वजह से फिर से बहुत एमएलए बन के आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी आप तमाम का सपोर्ट रहना चाहिए। जैसे कमलेश लाल साहब ने 40 साल पूरे गुलबर्गा को लेकर चला, इंशाल्लाह हम भी उसी तरह उसी सामान संकल्प से उसे लेकर चलेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चुनाव में 2019 में लगभग 90,000 की लीड से उन्होंने जीत के जो वायदे किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इस भाग को और इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की दिशा में लेके जाते बोल के, मगर कुछ डेवलपमेंट के आसार नहीं दिखे और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज दूरदर्शन चले गया, आज रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो रेल मंत्री थे, यहाँ पे कोच का और रेलवे डिवीजन का जो प्रस्ताव लाया था वो उन्होंने उसको उसे भी हटा दिया है। आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बोले तो करना चाहे थे वो भी यहाँ से धारवाड़ के लेके गए। आज जो भी हुआ है इस भाग में कल्याण कर्नाटक में, आर्टिकल 371J होंगे हो, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगे हो, आज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होंगे हो, हाईकोर्ट होंगे हो, ये सब कांग्रेस का देन है। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.